ঠিক এমন এভাবে তুই থেকে যা স্বভাবে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার নিউ ব্লগ। তো সবসে পহলে সবাই কো শুভ অষ্টমী। देखो, अंजलि देने के लिए हम दोनों तैयार हो चुका है। काल पूरा रात कैंडल हॉपिंग करके घर पे आके सिर्फ 2 घंटा ही टाइम मिला हम लोगों को सोने के। फिर देखो, उठ के हम लोग तैयार होके आ गए हैं। यहाँ पे आके देखते हैं, ऑलरेडी अंजलि बहुत बार हो चुका है तो हम लोग भी अंजलि जल्दी जल्दी करके दे लिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे है, देखो अंजलि देना हो गया। अंजलि देने के बाद हम लोग देखो अभी इधर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रसाद दे, क्योंकि अंजलि देने के बाद प्रसाद खाने का मन और भी ज्यादा करता है। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे, यहाँ पे अंजलि देने के बाद प्रसाद दिया था तो हम दोनों यहाँ पे बैठ के प्रसाद खा रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे, 1.5 घंटे बैठा हम लोग, तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग रिटर्न घर पे आ गए। देखो, हम दोनों आ रहे थे तो इतने जल्दी जल्दी में हम लोग तैयार हो गए, तो क्या घर से हम लोग वीडियो नहीं कर पाया। ऐसे ही हमारा अष्टमी का सुबह गुजर गया। पूरा दिन हम लोग बाहर से पैंडल से अंजलि देने के बाद घर पे जब आए, फिर थोड़ा सा खाना बना के खाया और पूरा दिन हम लोग सोते रहे, क्योंकि कल रात पूरा नींद नहीं हो पाया। तो सो के उठा तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और बाबान को देखो, वो भी तैयार हो चुका है। तो हम दोनों अभी जाएंगे पैंडल हॉपिंग करने के लिए। तो चलो, कल का व्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितना, मतलब पूरा रात हम लोगों ने पैंडल हॉपिंग किए और आज भी हम लोग निकल रहे हैं। पता नहीं कब लौटेंगे, लेकिन फिर भी आज कोशिश करेंगे थोड़ा जल्द लौटने के लिए। हाँ, जल्दी लौटेंगे, आज पूरा रात नहीं करेंगे। तो चलो, ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी निकलेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलो हम लोग निकलते हैं और आप भी साथ रहना, देखते रहना। हम लोग अभी धौर बागान का पैंडल देख रहा है। देखो, आज हम लोग नॉर्थ कोलकाता पे ही घूमेंगे। देखो, इसके बाद हम लोग और एक पैंडल पे आ गए और इधर का थीम भी बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग आज नॉर्थ कोलकाता पे घूमेंगे, लेकिन आज जब हम लोग बस पे आ रहा था तब हम लोग कुछ वीडियो नहीं कर पाया, क्योंकि बस पे इतना ज़्यादा भीड़ था ना, मतलब आज सब लोग निकल चुका है पूजा देखने के लिए। इतना ज़्यादा भीड़ था, खड़े होने का भी जगह नहीं था, बैठने का भी जगह नहीं था, फिर भी हम लोग बहुत ही दिक्कत से आए इधर। फिर देखो, हम लोग ये पैंडल पे पहुंच गए और इधर का थीम था शिव ठाकुर। तो देखो, इस पैंडल पे आके थोड़ा भीड़ कम था, इसलिए गुटू देखो इधर बैठ गया है, रेस्ट ले रहा है। देखो, इतना ज़्यादा मतलब थक गया अभी, तो मैं भी थोड़ा बैठ गया उसके साथ और एकदम फैन के सामने बैठे थे। देखो, मेरा बाल कैसे उड़ रहा है हवा में। तो हम लोग दोनों ही थोड़ा बैठ के इधर रेस्ट ले लिया। फिर और क्या, अभी चलना शुरू होगा हमारा नेक्स्ट पैंडल की तरफ। इसके बाद हम लोग देखो आ गए हैं केक की दुकान पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग गया दोनों को ही। तो ले लिया हम लोगों ने कुछ खाना, और पहले खाना फिर पूजा देखना है, इसलिए चलो पहले पेट पूजा कर लेते हैं फिर दुर्गा पूजा देखते हैं। तो चलो, तिलंगा बागान पे देखो कितना अच्छा अच्छा पूरा कलरफुल है, ये रेनबो कलर से देखो, और चारों तरफ कलरफुल कलरफुल और कलरफुल। देखो, पेपर से सब कुछ बनाया था, देखो पेपर का ही सब कुछ है इधर, जो कुछ भी देख रहा हो ये पेपर से बनाया हुआ है। तो इधर का थीम ही था कि पेपर का जो कलेक्शन होता है वो, मतलब पेपर से बहुत सारे लोग कुछ चीज़ बना के फिर उससे अर्निंग करते, तो उसका ही थीम था इधर। तो देखो, पेपर के अंदर ही लाइटिंग किया हुआ था, देखो सब कुछ पेपर का है इधर। और देखो, ये दुर्गा माँ को भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स देखो, और फिर से हम लोग आ गए एक दूसरे पैंडल पे, वो है पोलिश्री, ये भी बहुत ही फेमस दुर्गा पूजा के लिए है। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखो चारों तरफ लाइटिंग किया हुआ है, अच्छा अच्छा डिज़ाइन की, देखो ऊपर से साइड से, तो अच्छा लगता है कि भीड़ में भी, इतनी रात में भी, मतलब सब लोग ऐसे जा रहे हैं। तो देखो,
हम लोग भी थोड़ा पोस्ट वोस्ट दे दिए। फिर देखो आगे जाते जाते हम लोग पुलिस से जाने से पहले ही इधर कौर बगन पे आ गए, क्योंकि इधर पास में ही एक के बाद एक पैंडल हुआ है अच्छा अच्छा सा। तो पुलिस से जाने से पहले ही ये पैंडल हम लोगों को देखने के लिए मिला और हम लोग इसके अंदर घुस गए। देखो इधर भी बहुत अच्छा थीम किया था, चारों तरफ देखो देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं चला कि थीम क्या था। लेकिन फिर भी देखो जो टैक्सी और गाड़ी का नंबर प्लेट था ना, वो सब कुछ देख के चारों तरफ सजाया हुआ था। फिर देखो हम लोग धीरे धीरे अंदर गए और इधर का दुर्गा माँ को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखो एक अलग सा ही मतलब क्रिएटिविटी था इसमें, तो बहुत ही अच्छा बनाया जिसने ये दुर्गा माँ को बनाया। गए हैं और अभी देखो रोड के साइड पे हम लोग बैठे हैं, इधर एक बैठने का जगह मिला, फिर इधर बैठ गए हैं क्योंकि बहुत ही गर्मी लग रहा है और पैर में भी दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट ले रहा है अभी। थोड़ी देर इधर बैठ के फिर हम लोग फिर से चलना शुरू करेंगे। तो चलो पहले हम लोग जितना पैंडल है दुर्गा पूजा का वो देख ले, उसके बाद फिर रिलैक्स होकर मैं बात करती हूँ। मेरे हालात थोड़ा खराब। हाँ हम दोनों का ही मतलब काल भी हम लोग पूरा रात घूमे थे ना, इसलिए पैर का ऊपर प्रेशर आ रहा है। काल भी घूमे आज भी घूमे, तो चलो फ्रेंड्स अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। है कोबिराज बागान पे। अभी देखो हम लोग इधर लाइन दे के खड़े हो गए क्योंकि अंदर जाने के लिए बहुत सारा लाइन झेलना पड़ेगा। तो देखो कितना सारे भीड़ है और बाहर से कितना अच्छा लाइटिंग किया है, अच्छा लग रहा था बाहर से देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखो पीछे कितना लाइन है। फिर हम लोग अंदर आए और अंदर देखो नीचे ऐसे लाइटिंग किया हुआ था और अंदर ऐसे चारों तरफ था। फिर दुर्गा ठाकुर देखने के बाद हम लोगों को ये देखने के लिए मिला, हमें ये थीम समझ में नहीं आया। हम लोग इतना सारे लाइन देके अंदर आए तो हम लोगों ने सोचा कुछ खास देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फिर इसके बाद हम लोग आ गए बाहर और आज ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। कल होली नाइट ठाकुर देखने के बाद, तो चलो आज के लिए टाटा एंड बाय बाय।